ओम शांति। 7/2/2023 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। यह बात सिद्ध करो। प्रश्न, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? उत्तर, यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं, श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाई। यह बहुत गुह्य बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखून का जोर देकर यह बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है। दूसरा, माताओं को आगे रख, उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। 20 नाखून के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। वरदान, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्वगुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ऐसे मात पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख, विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पाठ हीरो पाठ बजाओ। स्लोगन, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। अब टेलीग्राम चैनल पर ब्रह्मा कुमारी टीवी, इसमें आप मुरली को पढ़ भी सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं संपूर्ण मुरली की, और साथ साथ ऑडियो MP3 भी डाउनलोड कर सुन भी सकते हैं। ओम शांति।